Lock Mountains and Rift Valley. Now let us see continental building movements, that is epirogenic. Okay, continental building movements को क्या बोलते हैं? Epirogenic ही बोलते हैं. Slow movements occur towards the center or from the earth center towards the earth's crust. Because of these movements, a vast part of the earth's crust is uplifted or gets subsided. Okay, जो slow movement होता है earth के interior में, it occurs towards the center, मतलब बाहर से center के तरफ occur होता है या center से बाहर के तरफ होता है. Okay, movement towards the crust. Because of these movements, vast part of the earth's crust is uplifted. Okay, जो earth crust यानी जो surface है earth का, वो uplift होता है या तो वो subside होता है, यानी वो बैठ जाता है, या तो वो ऊपर आता है या तो बैठ जाता है. When the part of the earth's crust is uplifted above the mean sea level, uplift होता है जब, मतलब sea level के ऊपर जब वो आता है, continents are formed. Okay, therefore these movements are called continent building movements. Okay, so ये जो movement है उसको क्या बोलेंगे? Continent building movement. Okay, जब earth crust यानी surface of the earth gets uplifted. Okay, extensive plateaus can also be formed because of such movements. If the originally continental portion of the crust subsides below the sea level, it forms a part of the seabed. Okay, extensive plateau, plateau region यानी वो region जो कि high level पे रहता है लेकिन उसका जो top कैसा रहता है? Flat रहता है. राइट, जैसे माउंटेनियस रीजन का टॉप कैसा रहता है? पीक रहता है ऊपर, प्लेटू का फ्लैट रहता है. ओके, प्लेटूज भी इसी तरीके से फॉर्म होते हैं. ओके, एंड जब मूवमेंट के वजह से जब जो अर्थ सरफेस है वो सबसाइड हो जाता है, मतलब वो नीचे की तरफ बह जाता है, नीचे की तरफ वो बैठ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? सी बेड बन जाता है. ओके, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सी बेड, मतलब वो सी के अंदर चला जाता है, एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सी बेड. ओके, सडन मूवमेंट्स. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड एंड स्टडी
महसूस होती है, यानी शेकिंग थोड़ा सा महसूस होता है, एंड ऑल्सो ट्रेमर्स, ट्रेमर्स यानी शेक, ओके, दैट यू फील व्हेन अ हेवी व्हीकल क्रॉसेस अ ब्रिज इन स्पीड। जब ब्रिज के ऊपर आप, ब्रिज के ऊपर से आप जा रहे हो और एक बहुत ही हेवी व्हीकल जैसे ट्रक, यू नो, सामान लोड करके जा रहे ट्रक ब्रिज के ऊपर, तभी भी आपको ट्रेमर्स, यू नो, शेक महसूस होगा। थ्रू दीज एग्जाम्पल्स वन कैन एस्टिमेट द ट्रेमर्स कॉज ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, यानी जो मूवमेंट है, ओके, विच इज कॉज ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, ये एग्जाम्पल से आप पता लगा सकते हो, ओके। अर्थक्वेक्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स अकरिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ट्रेमेंडस टेंशन इज क्रिएटेड इन द अर्थ क्रस्ट। When the tension goes beyond limits, the energy is released in the form of waves. Okay, because of the movements occurring interior, earth के interior में, यानी उसके अंदर जब movements होते हैं, जब tremendous tension, okay, जब tension create होता है earth के अंदर, then it when it goes beyond the limit, energy is released in the form of waves. Okay, जब वो tension create होता है और बहुत ज़्यादा tension होता है, you know, limit के बाहर, तो energy is created. This results in trembling. Trembling of the earth surface, that is earthquake occurs. The magnitude of the earthquake is measured by Richter scale. Okay, ये जो pressure है, ये जो tension है, tension के वजह से जो waves create होते हैं, उसके वजह से trembling होता है. Trembling यानी movement होता है earth surface के वजह से. It means क्या है वो, earthquake, यानी earthquake आया, okay? And earthquake का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो पावर है, वो हम किससे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल, इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। नाउ लेट अस सी कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं? मूविंग ऑफ द प्लेट्स, जब प्लेट्स मूव करते हैं, ओके, यू नो, अर्थ में सात मेन प्लेट्स है, यानी सात कॉन्टिनेंट्स है, राइट, यानी जो लैंड पोर्शन है अर्थ के ऊपर, दोज आर कॉन्टिनेंट्स, तो दोज आर सेवन प्लेट्स ऑफ द अर्थ, ओके। जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक होता है, कोलाइडिंग ऑफ प्लेट्स, जब अर्थ के प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तभी होता है प्लेट्स स्लाइडिंग वन बिलो द अदर। जब प्लेट्स स्लाइड करते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, ओके, तब अर्थक्वेक होता है। फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन रॉक लेयर्स ड्यू टू टेंशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके। प्रेशर, यू नो, टेंशन जब होता है, हमने लेसन के स्टार्ट में ही देखा था फोल्डिंग और यू नो टेंशन वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, एक्टिविटी देखा था लेसन के स्टार्ट में, जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है, गैप आ जाता है, तो उससे क्या होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं रॉक लेयर्स में, यानी क्रैक्स आ जाते हैं, एंड उसके वजह से भी अर्थक्वेक होता है। अकरिंग ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तभी भी अर्थक्वेक होता है, ओके। वॉल्केनिक इरप्शन यानी क्या, अर्थ के इंटीरियर से जब मैग्मा, यू नो, बाहर निकलता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब निकलता है, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन, उस वक्त भी अर्थक्वेक होता है। नाउ सी, ये जो पिक्चर है, ये किसका है, सिस्मोग्राम का है, सिंपल सिस्मोग्राम का पिक्चर है, और ये जो है, ये ग्राफ है, ओके, जो सिस्मोग्राफ से हम अलग अलग वेव्स के बारे में पता लगाते हैं, जैसे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, पी फॉर प्राइमरी वेव्स, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स एंड एल फॉर सरफेस वेव्स। डू यू नो
जहां पर पहले वेव पहुंचता है, झटके महसूस होते हैं वो. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स अकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, टेंशन इज क्रिएटेड एंड इट कीप्स ऑन एक्युमुलेटिंग. ओके, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अर्थ के सरफेस में कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है, तो टेंशन क्रिएट होते रहता है. ओके, और वो टेंशन बढ़ते ही जाता है, एक्युमुलेट होते जाता है. हाई एनर्जी इज रिलीज्ड एट द प्लेस वेयर दिस टेंशन माउंट्स अप. यानी जो ये टेंशन एक पॉइंट पे जब जमा हो जाता है तो हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट से. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. वो जो पॉइंट है जहां पर टेंशन एक्युमुलेट होती है और हाई एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक विच इज नोन एज फोकस. ओके, इट इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर. ओके, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे या हाइपोसेंटर. एनर्जी वेव्स स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम दिस सेंटर. उस सेंटर से वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में पास होते हैं, स्कैटर होते हैं. ओके, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दीज एनर्जी वेव्स रीच फर्स्ट इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, तो प्लेस विच द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, जब अर्थ के इंटीरियर में हाई एनर्जी रिलीज होती है और वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में पास ऑन होते हैं, तो वो जो प्लेस सरफेस में जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे एनर्जी पहले पहुंचता है, दैट इज नोन एज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. यानी जहां पर पहला झटका महसूस होता है सरफेस के ऊपर, दैट इज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, इट इज द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द फोकस एंड इज एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट ट्रेमर. द एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस. नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, ये जो पॉइंट है जहां पर एनर्जी एक्युमुलेट हो गया था, ओके, टेंशन एक्युमुलेट हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होने लगे, पास होने लगे, एंड जो वेव पहले और सरफेस में पहुंचता है, ये जो है वो सरफेस है, जो वेव पहले सरफेस में पहुंचता है, दैट पॉइंट यानी सरफेस का वो पॉइंट इज नोन एज एपिसेंटर. एंड एपिसेंटर इज नियरेस्ट फ्रॉम द फोकस, वो फोकस के नजदीक रहता है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द फोकस, मतलब वो स्ट्रेट रहता है, परपेंडिकुलर रहता है फोकस के साथ. ओके, एंड यू कैन सी अर्थ सरफेस, ये जो है अर्थ का सरफेस है. ओके, ये क्या है, ये वेव्स है. ओके, एंड फोकस प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव्स. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो स्ट्रेट लाइंस है वो क्या है, प्राइमरी वेव्स है. जो zigzag वाले लाइंस है वो क्या है, सेकेंडरी वेव्स है. एंड यहाँ पर यू कैन सी ये जो यहाँ पर ऊपर सरफेस के ऊपर थोड़े से zigzag वाले लाइन दिख रहे हैं वो क्या है, सरफेस वेव्स है. ओके, when the tension is released at the focus, the released energy travels in all directions. This energy comes toward the earth surface in the form of waves. The seismic waves can be divided into primary, secondary and surface waves. Okay, jab tension release hota